हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? आज हम बना रहे हैं इसकी रोटी। हम बना रहे हैं इसको किस तरह बनाएंगे आज हम आपको बता रहे हैं। हमने थोड़ी सी आटा लिए, ऐड करेंगे जिस तरह आप सादा आटा भूनते हैं, और इसमें नमक डालते हैं, इसको भी इसी तरह भूनना है। इसका पराठा हम बना रहे हैं। इसको इस तरह दोनों हाथों से मैच करनी है। देखो कितना सॉफ्ट बना है, ज्यादा नरम नहीं करना, बस थोड़ी सी नरम करनी है, ना सख्त होनी चाहिए, फिर जो है ये टूटेगा। इसी तरह नरम रखेंगे। फिर अपने दोनों हाथों से इस तरह करेंगे। इसी तरह रखेंगे। थोड़ा सा आटा इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ताकि ये चिपके ना। अब इसके ऊपर ये रखेंगे और हाथ और हाथ पानी से और इसको इस तरह करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों हाथों के जरिए, ज्यादा पतली नहीं बनानी इसको और ना ज्यादा मोटी बनानी है। आप देख सकते हैं हमने रोटी डाला। अब एक माचिस ले डब्बा, इसको इस तरह कर ले, डेकोरेशन बनाए। देखो व्यूअर्स, रोटी हमारी एक साइड से पक चुकी है और इसको साइड पे रखेंगे, दूसरे साइड पे पकाएंगे, थोड़ी सी पक जाए। इसके बाद हम ऑयल या घी डालेंगे। अब चाय तो देसी घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें घी डालेंगे। पंजाब में तो मशहूर है मकई की रोटी, सरसों का साग और लस्सी, लेकिन हम दोपहर की चाय के साथ इसको पेश करेंगे। तो हमने इसका पराठा बनाया। अब दूसरे साइड से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं पराठा रेडी हो चुका है और हमने इसमें जो डब्बे में जो कवर लगाई थी, अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है।